स्टेट बैंक का केवाईसी अपडेशन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे? जब आप इसे भर के जमा करने के लिए बैंक जाएंगे तो आपको इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स पिनअप करके केवाईसी करवाने के लिए आपको बैंक में देने पड़ते हैं? अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, हम आपको ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताएँगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक फॉर्म पहले से ही ऑलरेडी फिलअप करके रखा है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ जाएँ। तो चलिए पहले स्टेप में बात करते हैं। तो आपको ऊपर में डेट लिखा रहता है, जो भी डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करेंगे वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एंड नीचे आएंगे तो आपके बैंक का ब्रांच कहाँ है, ब्रांच का नाम कहाँ है, उसका नाम डालेंगे। ब्रांच का कोड अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो बैंक में पूछ के उसके बाद भर दीजिए। एंड नीचे आएंगे तो कस्टमर आईडी अगर आपको मालूम है तो भरिए, अगर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर आपके खाते पे मिलेगा, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आप यहाँ पर भर लीजिए। उसके बाद सी केवाईसी नंबर, इसको आपको छोड़ देना है। नीचे आएंगे पहले नंबर में पर्सनल डिटेल्स में, जिसमें आप यहाँ पर इसने की एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी अगर आपके पास है तो आप भरिए, वरना छोड़ दीजिए। नेम में आपको MR, यानी अगर लड़के का भर रहे हैं तो MR लगाएंगे, वरना अगर किसी महिला का भर रहे हैं तो मिसेज भी लगा सकते हैं। तो जो भी उनके अकाउंट पर नाम है, जिस तरह से स्पेलिंग है, वही नाम आप यहाँ पर भरेंगे। और जैसे कि पहले आप फर्स्ट नाम डालेंगे, एक डब्बे को छोड़ के लास्ट नाम डालेंगे, अगर मिडिल नाम है तो मिडिल नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नाम डालने के बाद लास्ट नाम डालेंगे एक डब्बे को छोड़ के, इस तरीके से आपको नाम भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसने कि मिडिल नेम, अगर आपका शादी हो चुका है, शादी से पहले अगर आपका कुछ और नाम था तो वो नाम आप इसमें मेंशन करेंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड पे होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर टिक कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस में जो भी आपका मैरिड है वो टिक कर लीजिए। नीचे ये नेम ऑफ फादर एंड मदर, तो आप अपने पिताजी या माताजी का आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। तो जो भी होगा मिस्टर मिसेज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। अगर पिताजी का नाम ऐड कर रहे हैं तो पिताजी का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से फर्स्ट नेम एक डब्बे को छोड़ के लास्ट नेम लिखेंगे। नीचे आएंगे लिटरेचर, अगर आप अनपढ़ हैं तो यस करेंगे, वरना अगर अनपढ़ नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे नेम ऑफ गार्डियन, यानी माइनर केस में आपको ये भरना पड़ता है। मान लीजिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट, मतलब अकाउंट का केवाईसी करवा रहे हैं, तो उसका जो भी है गार्जियन उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनका रिलेशन क्या है उस बच्चे के साथ, फादर मदर या हस्बैंड भी होते हैं या फिर हस्बैंड नहीं होते हैं या फिर कोई और गार्जियन है, उनका आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। नेशनलिटी आपको इन इंडियन पे टिक करना है, अगर अदर कंट्री से है तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, कंट्री का नाम डाल सकते हैं अगर आप अदर कंट्री से हैं तो। नीचे ये ऑक्यूपेशन टाइप में, अगर आप सर्विस करते हैं, एस सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी सेक्टर में, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्टूडेंट पे टिक कर दिया। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ पर भी टिक कर सकते हैं, या रिटायर कर चुके हैं कोई काम से तो रिटायर पर भी आप टिक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। आपका मंथली इनकम क्या है वो डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका नेट ऑफ बर्थ पता है, आपका नेट ऑफ बर्थ कितना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ये सोर्स ऑफ इनकम, आपका इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम, पेंशन, अदर, जो भी आपको लगेगा आपका अनुसार फुलफिल कर रहा तो वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर, जो भी है वो आप टिक कर लीजिए। कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, जो भी है टिक कर लीजिए। उसको पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिए, विकलांग में आप क्या हैं, विजुअल इम्पायर्ड हैं, डिफरेंट एबल्ड हैं, तो वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस पे टिक करते हैं तो, अगर विकलांग नहीं है तो आप नो कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, बिलो SSC, SSC, HSC, मैंने ग्रेजुएट पे यहाँ पर टिक कर दिया। अगर आप यहाँ पर जो भी फुलफिल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिए। अगर आप किसी कंपनी संस्था चला रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चला रहे हैं तो वो आप नहीं डालेंगे। अगर आप चला रहे हैं तो उसका नाम डालेंगे, उसमें किस पोस्ट पे आप हैं, प्रोफेशन आपका क्या है वो डालेंगे, आपके बिजनेस का क्या नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ देखते हैं कि प्लीज टिक द अप्लीकेबल बॉक्स, अगर आप इसमें फुलफिल करते हैं पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं तो आप इस पर टिक कीजिए वरना छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। आपका प्लेस बर्थ कहाँ है, आपका जन्म कहाँ हुआ, उसका नाम डालिए, उसके नीचे आइए। आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है। अगर आपके पास पैन नंबर पैन कार्ड नहीं है तो आप इसके बदले में 60 नंबर फॉर्म भरेंगे, जो भी SBI बैंक का 60 नंबर फॉर्म होता है वो आपको भरना पड़ता है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं बना है। उसके बाद नीचे आइए, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आप +91 कर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साइड की बात करते हैं तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलता है और आए दिनों वीडियो बनाने का मुझे एनर्जी मिलता है। तो चलिए दूसरे साइड की बात करते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस में आपको यहाँ पर क्या लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आधार कार्ड लगा रहा हूँ तो मैंने इस पर टिक कर दिया। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे। तो मैंने आधार कार्ड लगाया, इस पर टिक किया, आधार नंबर यहाँ पर लिख दिया। जो आप यहाँ पर देखते हैं कि आधार नंबर में इशू डेट और एक्सपायरी डेट नहीं रहता है तो इसको मैंने छोड़ दिया। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस में इशू और एक्सपायरी डेट दोनों रहता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, वरना आप छोड़ देंगे। उसके नीचे आइए एड्रेस डिटेल्स में, जैसे कि मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपना डाला हूँ तो परमानेंट मैंने टिक कर लिया। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके जो भी आपका एट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सिटी विलेज जिसका भी नाम आप डाल रहे हैं उसमें सही कीजिए और उसका नाम डालिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए, पिन कोड, स्टेट जो भी आपका है, स्टेट मैंने भरना भूल गया, स्टेट भी आपको यहाँ पर भरना है जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। नीचे ये एड्रेस डिटेल में आप यहाँ पर देखते हैं कि 5वें नंबर में मेरा परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ पर सेम एज करेंट और परमानेंट एड्रेस पर टिक कर दिया। इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अलग अलग है तो आप इसे भर सकते हैं। नीचे आइए, आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपका आधार नंबर होगा उसे आप भर दीजिए। अगर आप आधार नंबर नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ प्रश्न है कि UTILITY बिल जो भी है इस, अगर आप इस पर टिक करते हैं और ये आप बिल की फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं तो उस बिल का आपको नंबर भरना, या फिर आप यहाँ प्रश्न है PPO जो भी होता है FPPO, अगर आपके पास ये है इसका 6 प्रति आप लगा रहे हैं KYC करवाने में तो इस पर टिक करते हैं तो इसका जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। डेट डाल देंगे जिस डेट को आप इससे जमा करने के लिए जा रहे हैं। नीचे आइए, यहाँ पर यस कर लेंगे और जिनका भी KYC हो रहा है उनका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हाल ही का यहाँ पर चिपका देना, उनका सिग्नेचर यहाँ पर करवा लेना है। नीचे ये प्लेस का नाम डाल लीजिए जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट डाल लीजिए जो डेट को इसको जमा करने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर भी आपको भरने में कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहां से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको और भी जानकारी बताई गई है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए। उसके बाद वहां से आप नीचे आएंगे तो आप यहां पे देख लीजिए KYC करवाने में क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे लिखे गए हैं, आप रीड कर लीजिए। उसके बाद KYC फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर दिया गया है, KYC फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि KYC फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो फिलहाल अभी वीडियो शूट हो रहा है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर भी शो करेगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं KYC फॉर्म किस प्रकार से भरना है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई मिल जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन ऑल पर प्रेस करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।